अर्निंग होती है ना, वो 2013-14 में स्टार्ट की थी। कोशिश कर रहा था कि कोई ऐसी चीज़ मिल जाए कि मैं अपना खर्चा खुद उठाऊं। उसके बाद भी मैंने एक दो जगह जॉब भी की क्योंकि मैं आगे यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता था। उसके बाद हम रहते भी रेंट पे थे, माइंड में आ गया कि यार मैंने अपने पेरेंट्स को बर्डनाइज नहीं करना। तो लकीली ऑनलाइन अर्निंग मेरे सामने आ गई, वही स्किल बेचते हैं और आपको पैसे मिलते हैं। और जब मेरे अकाउंट में $5 आए तो मुझे कॉन्फिडेंस मिल गया। मुझे आज भी याद है सबसे पहली चीज़ ली थी वो मैंने DSLR लिया था। घर बनाया तो शादी की गाड़ी का शौक था। अब तकरीबन मेरे 5 से 6 अकाउंट्स हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग है, अब पैकेजिंग की एक फील्ड है, इसमें UI/UX है। तो अब मेरी स्पेशलिटी यही है कि मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, मुझे मार्केटिंग आती है, मुझे फाइबर आता है, मुझे अपवर्क आता है। सबसे पहले स्किल शॉर्टलिस्ट कर ले। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका मेजबान हमजा ताहिर। वेलकम बैक आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। मैं जनाब आज आपको एक ऐसे नौजवान से मिलवाने जा रहा हूं जिसने पढ़ा, डिग्री की तो अपने पैसों से, सैर सपाटा किया, मौज मस्ती की तो जनाब अपने पैसों से, घर बनाया तो भी अपने पैसों से, और गाड़ी खरीदी तो फिर भी वालदैन को तंग नहीं किया बल्कि अपने पैसों से ही बनाया। अब ये पैसा उन्होंने इतना सारा बनाया कैसे, ये उन्हीं से चल के बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब वकास सती साहब, जनाब मोहम्मद वकास सती साहब। कैसे हैं जनाब आप? ठीक हैं? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? थैंक यू सो मच जी, आपने टाइम निकाला, वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे बताएं कि आप बीइंग अ ग्राफिक डिजाइनर, आपने अपना ऑनलाइन अर्निंग का जो जर्नी है वो स्टार्ट किया, सबसे पहले थोड़ा सा ये बैकग्राउंड अपना बता दीजिए कि आपने कैसे स्टार्ट किया, ताकि जो लोग ऐसे जो हमें सुन रहे हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट करना है, जो सोचे जा रहे हैं और स्टार्ट नहीं कर रहे, ताकि उनके लिए ज़रा आसानी हो जाए। ठीक है। अच्छा मैंने जो है ना, वैसे जो अर्निंग होती है ना वो 2013-14 में स्टार्ट की थी, लेकिन वो ऑनलाइन नहीं की थी। बेसिकली जिस तरह मिडिल क्लास फैमिली के जो ना जो नौजवान होते हैं उनकी हमेशा ये कोशिश होती है कोई ऐसी चीज़ मिल जाए कि वो अपना खर्चा खुद उठाएं। तो जब मैंने मैट्रिक कर ली तो उसके बाद मैं यही कोशिश कर रहा था कि कोई ऐसी चीज़ मिल जाए कि मैं अपना खर्चा खुद उठाऊँ। अच्छा वैसे मैं भी एक बात बताऊँ, मैंने भी बहुत पहले अपनी अर्निंग स्टार्ट कर दी थी इसी तरीके से, मतलब ऑनलाइन नहीं थी, ऑफलाइन थी, लेकिन मैं घर के टुकड़े बेच के जनाब जना वो कुछ ना कुछ वो भी बना, वो भी बिल्कुल बिल्कुल एक आईडिया। तो आपने भी क्या ऐसे ही स्टार्ट लिया था या नहीं? नहीं बिल्कुल, वो तो समझ लें घर से होता है ना, घर के बाहर से जो अर्निंग होती है ना असल अर्निंग वो होती है। अच्छा ठीक है। तो बेसिकली उस टाइम नए नहीं ये जो ना क्रीम और बाइकिया की जो ना सर्विस आई हुई थी। एग्जैक्टली। तो मुझे मेरे जो ना वाले साहब ने बाइक लेके दिया हुआ था ट्रैवल करने के लिए, जो मेरा कॉलेज था ना वो थोड़ा सा दूर था। तो देखें लोग तो जो ना आते जाते हैं बाइक को, लेकिन मेरे माइंड में आया कि यार मैं क्यों ना इसको अर्निंग के लिए यूज़ करूँ, क्योंकि मेरे से अवेलेबल रिसोर्स वही था। तो मैंने उसको जो है ना वो रजिस्टर कर दिया और मैं कोशिश करता था कि 500,000 वीकली जो है ना अगर मुझे मिल जाए तो मेरे लिए काफ़ी था, एटलीस्ट जो ना जो मेरी पॉकेट मनी थी वो पूरी हो जाती थी। लेकिन देखिए माइंड में क्या हो गया कि एक अर्निंग करनी है, वो एक जो है ना आइडिया डेवलप होना शुरू हो गया। तो फिर जब मेरी FSC हुई उसके बाद भी मैंने एक दो जगह जॉब भी की क्योंकि मैं आगे यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता था। लेकिन आपको पता है कि हमारे मुल्क में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी फ़ीसें कितनी हैं, उस टाइम भी तकरीबन 80,000 से लेके तकरीबन 1,00,000 रुपया 6 महीने का मतलब सेमेस्टर की फीस थी। तो मुझे पता था कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे और भी बहन भाई हैं, उन्होंने तो भी पढ़ रहे हैं। क्या बड़े थे? जी मैं सबसे बड़ा था। अच्छा। तो हम माशाल्लाह से 5 बहन भाई हैं, तो उन्होंने भी पढ़ना है, और एक बंदे के लिए बहुत मुश्किल है ये चीज़ के जना वो इतने लोगों की स्टडीज़ को भी खर्चा दे, फिर उसके बाद हम रहते भी रेंट पे थे, ठीक है, ये सारे अखराजात पूरे करना बहुत मुश्किल था। तो मैंने कहा कि मैं कुछ अपना जो है ना काम करता हूँ, तो थोड़ा काम करके छोटी मोटी जॉब। बहन भाई जो थे वो तो ठीक है, आपकी बतौर बड़ा भाई आपकी जिम्मेदारी भी तो थी, लेकिन वालिद साहब की भी तो जिम्मेदारी बनती थी, तो आपने खुद से क्यों जिम्मेदारी इतनी ऊपर ले ली? नहीं नहीं बिल्कुल, देखें अगर आपने ना कुछ बड़ा करना है या कुछ आपने जो है ना अच्छा करना है तो जिम्मेदारी आपको ना बहुत जल्दी एज में लेनी चाहिए। तो वो कुछ मतलब ये नेचुरली है, मैं नहीं कह सकता कि मतलब कुछ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन नेचुरली माइंड में चीज आती रही। तो मैंने कहा मैंने जो ना काम स्टार्ट करना है, तो कुछ छोटी मोटी जॉब्स करके पैसे जोड़े, पैसे जोड़ने के बाद मैंने एडमिशन ले लिया यूनिवर्सिटी में। अब जब यूनिवर्सिटी में गया तो पहले साल की मैंने IT में बेसिकली कंप्यूटर जो है सिस्टम इंजीनियरिंग बेसिकली मैंने की है। तो अब देखें इंजीनियरिंग में जो ना पहले एक साल की फीस तो मैं जमा खुद ही जो ना करके गया था, मैंने ले लिया था, लेकिन उसके बाद दोबारा सेकंड ईयर में मुझे अपने पेरेंट्स से मांगने पड़े। तो फिर मुझे वो माइंड में आ गया कि यार मैंने अपने पेरेंट्स को बर्डनाइज नहीं करना, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप फीस लगाओ, फिर हॉस्टल में मैं रहता था वो अखराजात लगाओ, फिर उसके बाद और आना जाना कपड़े, आपको तो यूनिवर्सिटी में जो ना पढ़ना आसान नहीं है। फिर मेरा माइंड काम करना शुरू हो गया कि मैं क्या करूँ। तो लकीली जो है ना बस अल्लाह ताला रास्ता उसी बंदे के लिए खोलता है जो वो रास्ता ढूंढ रहा होता है। एग्जैक्टली, ठीक है। तो लकीली ऑनलाइन अर्निंग मेरे सामने आ गई, बस एक सीनियर थे वो ये काम करते थे, तो मैंने उनको देख के जो है ना
काम करना शुरू कर दिया। मतलब स्किल नहीं सीखी, स्किल आती ही नहीं थी क्योंकि मुझे इस चीज का पता ही नहीं था कि स्किल सीखी जाती है और फिर आप करोगे। क्योंकि देखो हमारे माइंड में ये होता है कि ऑनलाइन लर्निंग एक स्कैम है। स्कैम क्यों है? क्योंकि वो और तरह के लोग होते हैं, आपको डिफरेंट तरह की स्ट्रेटजीज बताते हैं, लेकिन जब आप स्किल सीख लेते हैं तो फिर आप वही स्किल बेचते हैं और आपको पैसे मिलते हैं। तो ये चीज मुझे जब समझ आई, मैंने पहला एक ऑर्डर किया, ऑनलाइन किया, और आप मानेंगे नहीं कि लोकल मार्केट में नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में। मतलब यहाँ पे बैठे बैठे अमेरिका का एक क्लाइंट था, उसको मैंने एक जो है ना डिजाइन बना के दिया। किस प्लेटफॉर्म से आपने उसको जो है वो ग्रैब किया? वो फाइवर पे। बेसिकली उस सीनियर ने मुझे बताया था कि यार ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे इंटरनेशनल क्लाइंट्स आते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट पोस्ट करते हैं और आपने जो है ना उनको काम करके देना होता है। तो वो एक क्लाइंट को मैंने जब काम करके दिया, मुझे कुछ नहीं आता था, मैंने यूट्यूब से देख के जो उसकी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी की, बना के दिया। लेकिन लकीली उसको जो है ना वो चीज पसंद आ गई, और जब मेरे अकाउंट में $5 आए तो मुझे कॉन्फिडेंस मिल गया। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी चीज है कि यहाँ से बैठे बैठे अमेरिका से क्लाइंट आया, मैंने उसको काम करके दिया, पैसे आ गए। फिर मैंने, क्योंकि वो डिजाइन का प्रोजेक्ट था, सबसे मुश्किल काम भी यही होता है कि अपने आप को ये बावर करवाना, ये यकीन दिलवाना, एतमाद दिलवाना कि भाई यहाँ बैठे बिठाए अमेरिका से या किसी भी दूसरे मुल्क से आप पैसे कमाए जा सकते। वहाँ से मोटिवेशन मिली। फिर मैंने जो ना सबसे पहले, क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग का प्रोजेक्ट था तो मैंने उसी को सीखा, क्योंकि इर्द गिर्द कोई गाइड करने वाला नहीं था, ना कोई फैमिली में ऐसा बंदा था जिसने ऑनलाइन अर्निंग की हो, ना ही कोई मेरे इर्द गिर्द दोस्तों में था। वो एक सीनियर थे, वो भी पास आउट हो गए थे, वो चले गए थे, जाते जाते उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था कि मुझे बता आगे गए थे कि यार ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे हम कमाते हैं। ठीक है, तो वहां से ये किस ईयर की बात है? ये 2017-18 की बात है। ठीक है, जब मैं यूनिवर्सिटी में चला गया था 15-16 में मैंने पूरी की थी और फिर मेरा स्टार्ट हुआ था। तो जब वहां पे जो है ना वो मैंने अपनी स्किल स्टार्ट की, ग्राफिक डिजाइनिंग स्टार्ट की, तो साथ साथ मैं प्रोजेक्ट्स भी ले रहा था, क्योंकि जब एक मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो वहां पे भी मेरी पोर्टफोलियो बन गई ना। मतलब उस क्लाइंट ने मुझे अच्छा रिव्यू दिया था। ठीक है, तो और क्लाइंट आते, मतलब 10 दिन बाद, 5 दिन बाद कोई ना कोई $10, $5, $20, $30 इतने के जो ना मुझे प्रोजेक्ट मिलना शुरू हो गए। तो देखिए साथ साथ मैं सीख रहा था और साथ साथ मुझे काम भी मिल रहा था। तो वहां पे मैंने जो ना मंथली $100 का मेरा जो है ना वो टारगेट होता था कि यार मैंने मंथ में $100, क्योंकि जो मिनिमम अमाउंट थी ना वो $100 थी कि अगर $100 पूरे होंगे तो आप निकलवा सकते हैं। तो $100 उस टाइम मुझे आज भी याद है 15,000 रुपया बनता था। राइट, ठीक है, तो 15,000 रुपये में मेरा मंथली बहुत लविश किस्म का खर्चा होता। साथ मैंने ऐसा भी किया कि बीच में कभी कभी मेरे जो अमाउंट थी ना वो $200-$400 भी क्रॉस कर जाती। जब आपका सीजन लग रहा होता है ना तो उसमें फिर क्या मैं करता था, मैं फैमिली को भी कुछ भेज देता था, अपनी शॉपिंग कर ली। ठीक है, फिर मैंने स्टार्ट किया, मुझे आज भी याद है सबसे पहली चीज ली थी वो मैंने DSLR लिया था, क्योंकि मुझे बहुत शौक था जो है ना वो डिजिटल जो है ना फोटोग्राफी का और इस चीज का। तो 1.5-2 लाख रुपए का कैमरा था तो वो मैंने लिया। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना मुझे घूमने का शौक था पाकिस्तान पूरा, तो मैंने साथ साथ घूमना शुरू कर दिया। मैं एक कंटेंट भी बनाता था, व्लॉग्स वगैरह। अच्छा, तो फिर उसके लिए मुझे बाइक का जो है ना वो क्रेज हुआ कि यार मैंने ना 150cc बाइक लेना है। अच्छा, वो फिर ले लिया। देखिए स्टार्ट होता है तो बंदे की यही ख्वाहिशात होती है, एक जो है ना टीनेजर की यही ख्वाहिशात होती है, तो ये पूरी की। लेकिन जब यूनिवर्सिटी से पास आउट हुआ तो फिर प्रैक्टिकल कुछ चीजें और, क्योंकि जिम्मेदारी थी, मैंने आपको बताया कि हम रेंट के घर में रहते थे। अच्छा, तो फिर मैंने सोचा कि यार घर बनाना चाहिए। ठीक है, जाहिर सी बात है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारी सोसाइटी में। तो घर बनाया, घर बनाने के बाद हमारी सोसाइटी सड़की भी बिल्कुल हर जगह घर बनाया। फिर उसके बाद एज इतनी नहीं थी, छोटी उम्र ही थी, लेकिन माइंड में एक चीज थी कि यार शादी जल्दी करनी है। ठीक है, क्योंकि इससे काफी जो है ना वो फायदे होते हैं। तो पैसे थे, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारी सोसाइटी में ये भी आपको पता है रूल है, बच्चा कमा रहा है बस इसको लगा दो। नहीं, कमा रहा नहीं है तो उसके कुछ नहीं हो सकता। वही ना, बच्चा कमा रहा है उसी बच्चे की होगी जो बच्चा जो कमा रहा है, जिसके पास पैसे हैं। एग्जैक्टली, तो माशाल्लाह थी इस्तेदाद थी, तो शादी की जितने अखराजात थे माशाल्लाह काफी अच्छी तरह की। फिर उसके बाद गाड़ी का शौक था। ठीक है, मैंने कहा चलें आप गाड़ी ले लेते हैं। तो ये वो चीजें हैं कि जो छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे और ये तमाम जितनी भी चीजें आपको अल्लाह ने अता फरमाई तो वो सारी की सारी ग्राफिक डिजाइनिंग की ही। बिल्कुल, ग्राफिक डिजाइनिंग से बेसिकली मैं लोगों को यही बताता हूं। ये तो बड़ा हमारे यहाँ समझा जाता है कि ये बड़ी लो वेज वाली जॉब है और लोग नहीं इसको सीखते करते, तो ये इतना देखें सीखते बहुत लोग हैं। सबसे ज्यादा जो सीखे जाने वाली स्किल है ना वो है ग्राफिक डिजाइनिंग।
शुरू में ऐसी बात है क्यों क्यों कल मुझे को कह रहा था कि यार फोटोशॉप का सेटअप जरा हाँ, मैंने कहा यार खुद ही ऑनलाइन क्रैक कर लो यार। देखें सबसे ज्यादा लोग ये सीखते हैं हाँ। ग्राफिक डिजाइनिंग क्योंकि ये इजी है लेकिन सबसे ज्यादा लोग इसमें फेल इसलिए होते हैं कि वो उनको नहीं पता कि इसको मैक्सिमाइज कैसे करना है। इसके अंदर बहुत ज्यादा फील्ड्स और हैं। देखें आपको शायद जो है ना मतलब एक आम जर्नल बंदे को नहीं पता होगी। देखें मैं इस चीज के अंदर जब आया तो मैंने भी स्टार्ट इसी तरह किया लोगोज वगैरह से सोशल मीडिया पोस्ट से जो जर्नल थी मुझे सब आता है सब लेकिन 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 आहिस्ता आहिस्ता मैंने एक्सप्लोर किया कि यार इसके अंदर ग्राफिक डिजाइनर क्या क्या और कर सकता है। अब पैकेजिंग की एक फील्ड है शायद आपको पता हो पैकेजिंग डिजाइन हम देखते तो हर जगह डब्बे हमारे सामने आते हैं रैपर्स आते हैं हर चीज आती है लेकिन बहुत कम डिजाइनर एंड 2% डिजाइनर होंगे मतलब 100 में से 2 बंदे होंगे डिजाइनर ऐसे कि जो इसको कर रहे होंगे। अब उधर आप देखेंगे कि क्लाइंट बहुत ज्यादा है तो ये जो अपने अकाउंट्स बनाने हैं फिर वो रेलेवेंट बनाने हैं अपनी नीच के मुताबिक बनाने हैं। जी जी इसमें ये है कि जब वो वाली बात है कि जब मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया इस चीज का मैंने स्टार्ट में एक सर्विस से शुरू किया एक अकाउंट से शुरू किया लेकिन जब थोड़ा सा उसमें ना रिजल्ट मिलता है ये बिजनेस की बात है कि एक दुकान खोली आपने तो एक आउटलेट खोली फिर आपने दूसरी ब्रांच खोली फिर आपने तीसरी ब्रांच खोली तो मैंने भी एक अकाउंट जब देखा मैंने कहा यार यहाँ से तो माशाल्लाह जो है ना मतलब आप एक यहाँ पे सीईओ बैठा हुआ एक अफसर पाकिस्तान में बैठा हुआ इतना नहीं कमा सकता जितना सिर्फ मैं ग्राफिक डिजाइनिंग। लेकिन इसमें और भी बहुत ज्यादा हाई पेइंग जो ना फील्ड है वेब डेवलपमेंट है इसमें इसमें जो ना वीडियो एडिटिंग है इसमें एसईओ है और भी है लेकिन देखो मुझे जो चीज आती थी मैंने उसका कहते हैं ना कि मैक्सिमम यूज किया तो मैंने उसको एक अकाउंट से दो दो से तीन तीन से चार अब तकरीबन मेरे 5 से 6 अकाउंट्स हैं और तो उस क्या वो अपने ही आईडी के ऊपर बनाए जा सकते हैं मतलब आपकी बेसिकली मैं फॉर्मेशन के साथ तो मेरे ख्याल में एक अकाउंट ही है एक बंदे के नाम पे एक ही अकाउंट होता है बेसिकली मैंने काम किया अपनी फैमिली को यूटिलाइज किया अम्मा के नाम पे बना दिया हाँ लेकिन मैंने सिर्फ बनाया नहीं है मैं अब उनको इस फील्ड में भी ले आया हूँ मतलब मेरे घर में अगर मेरी सिस्टर्स हैं फैमिली मेंबर हैं तो मैंने कहा भाई ठीक है मैं बना रहा हूँ लेकिन आपको भी इस चीज का नॉलेज होना चाहिए तो माशाल्लाह वो लोग भी मेरे साथ काम इस चीज में हेल्प करते हैं अगर फॉर एग्जांपल मैं अवेलेबल नहीं हूँ क्योंकि आप बीमार भी हो सकते हैं आउट ऑफ सिटी भी हो सकते हैं तो उनको मैंने इतना काबिल कर दिया कि हमारा एक ऑफिस हमारे घर में ही है घर के अंदर ही मतलब आपने उसको स्केल अप कर दिया हां स्केल अप कर दिया ठीक है। तो इसमें मैं जो चीज में बताना चाह रहा था कि जो 6 अकाउंट्स बनाए हैं वो इसलिए बनाए हैं क्योंकि मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग को एक्सप्लोर किया है कि भाई ग्राफिक डिजाइनिंग इतनी बड़ी फील्ड है अब इसके अंदर आप सब एरियाज देखें सोशल मीडिया मार्केटिंग है ठीक है जो सोशल मीडिया पे पोस्ट बनते हैं या जो उसकी मैनेजमेंट होती है उसके लिए एक डिजाइनर डिफरेंट होता है आप वो सर्विस दें वही नहीं खत्म होती इंटरनेशनल क्लाइंट इतना ज्यादा है। सेकंड इसमें यूआई यूएक्स है ठीक है जो वेबसाइट्स के जो ना डिजाइन बनते हैं सबसे पहले डेवलप होने से पहले एक डिजाइनर बनाता है क्योंकि अगर डेवलप करने जाओगे तो उसमें गलतियां निकलेंगी टाइम ज्यादा लगेगा खर्चा होता है लेकिन पहले हम उसका एक प्रोटोटाइप बनाते हैं एक डिजाइन बनाते हैं उसमें अगर हमें होता है कि भाई ठीक है ये फिर आप डेवलपर को देंगे तो वो आंखें बंद करके उसी पे सेम टू सेम उसको बना लेगा घर का नक्शा बन गया तो अब घर तामीर बिल्कुल बिल्कुल उसी में फिर आपको होता है मोबाइल एप्स होती है जो ना ठीक है उनकी भी डेवलपमेंट है कितनी हाई पेइंग होती है जो ना उसके भी डिजाइन बनते हैं एक एक स्क्रीन का जो आप अपने फोन पे देखते हैं ना आप एक क्लिक करते हैं तो आगे चीज आ जाती है वो जो अगली स्क्रीन होगी वो पहले डिजाइनर डिजाइन करता है exactly. शायद एक ऐप की हजारों स्क्रीन्स भी हो सकती हैं अगर बहुत बड़ी ऐप है और उसके अंदर फंक्शनैलिटी ज्यादा है तो हजारों ऐप्स भी मतलब उसके पेजेस हो सकते हैं आगे तो ये भी डिजाइनर करता है। अच्छा वकास भाई देखा जाए ना आजकल मतलब शायद जब हम स्टडी कर रहे थे तो ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर यकीन करना इतना मुश्किल काम था जैसे हमने डिस्कस भी किया कि वो यार एतमाद आ जाए ना जब बंदे के पास तो फिर बंदा जो है वो कैरी ऑन कर लेता है चीजों को। लेकिन हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है ठीक है वो एक तो ऐसा है कि वो इन चीजों के जो न्यू अर्निंग के या गिग इकोनॉमी है उसके मुताबिक हमें चीजें नहीं सिखाता ठीक है ना। लेकिन अभी मौजूदा जो सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी फिजा अच्छी बन गई है काफी सारे बड़े बड़े इवेंट्स भी हो रहे हैं फ्रीलांसर्स के जहां पे लोगों को समझाया जा रहा है सिखाया जा रहा है तो इसमें आपका क्या इनपुट है कुछ आप भी लोगों को सिखा रहे हैं कर रहे हैं या मैं दूसरे लफ्जों में बोलूँ कि मंजन को बेच रहे हैं। देखिए एक होता है कि जब आप खुद कुछ सीख रहे होते हैं ठीक है ना कुछ टाइम गुजरता है जब आपको लगता है कि आप मुझे कोई चीज़ आती है और किसी चीज़ में मेरी ग्रिप है जैसे आपको मैंने बताया मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग से शुरू किया और उसको मैंने
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू बेचा। right. तो अब मेरी स्पेशलिटी यही है कि मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, मुझे मार्केटिंग आती है, मुझे फाइबर आता है, मुझे अपवर्क आता है, क्लाइंट हंटिंग आती है, कम्युनिकेशन आती है। सबसे पहले तो हम ये काम कर रहे हैं, जैसे आपने इवेंट्स की बात की, तो हम अपने लेवल पे भी कोशिश करते हैं कि छोटे छोटे इवेंट्स अरेंज किए जाएं, ठीक है, और वहाँ पे जो न्यूबीज हैं उनको जो है बुलाया जाए कि भाई आप आए और लोगों से मिलें। अब जिस तरह मेरी देखें कम्युनिटी में लोगों से बातचीत है तो मेरा तो फायदा है, अगर मैं उनसे अकेला जाके मिल लूंगा तो सिर्फ मेरा बेनिफिट होगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अगर वो मुझसे मिलते हैं तो मैं और लोगों को भी बुला लूं। तो वहाँ पे जब एक गैदरिंग हो जाती है तो उस गैदरिंग में क्या होता है कि आपको बड़े सवाल जो होते हैं ना वो आपको जवाब मिल जाते हैं, आपको मोटिवेशन मिल जाती है। तो ये मैं हर बंदे को कहूंगा कि जिसने कोई चीज अचीव की है वो छोटी छोटी इस तरह की बैठक जरूर लगाएं, ठीक है, चाय पे बुला लो किसी को या किसी रेस्टोरेंट में बैठ गए 5, 10, 15, 20 बंदे बैठ के, तो आप अवेयरनेस फैलाओ, ये ग्राउंड लेवल से काम शुरू होता है। सेकंड चीज ये है कि जो मंजन की आपने बात की, बेसिकली मंजन को बस ये एक ना लफ्ज काफी इसको जो है ना वो कर दिया गया जो है ना खराब पोर्ट्रे की। हाँ, नेगेटिव देखें, एक बंदा अगर अपना नॉलेज अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे ना तो इसकी आपको कदर करनी चाहिए। किस तरह देखें, अब मैंने फॉर एग्जाम्पल उतार रहा हूँ 6-7 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, अब मैंने 6-7 साल बगैर किसी ने मेरी उंगली पकड़े मैंने ये चीज एक्सप्लोर की है, और अब मैं चाहता हूँ कि यार ये चीज मैं आगे लोगों को सिखाऊं, ठीक है, अगर मैं उस टाइम का कुछ मुआवजा मांग रहा हूँ, ठीक है, तो अगले बंदे को भी ये चीज समझनी चाहिए कि देखो भाई ये बंदा हमें ऑनेस्टली ये चीज सिखाएगा, जो सफर इसने 6 साल में तय किया है वो हम 6 महीने में तय कर रहे हैं। पूरी आप इर्द गिर्द नजर मारे हर तरफ बिजनेस हो रहा है ना, आप घर से बाहर निकलते हैं गाड़ी वाला आता है उसको आप बोलते हैं तुम मंजन सेलर हो। क्यों नहीं बोलते, क्योंकि आपको पता है कि भाई इसके अंदर मैं बैठूंगा ये बंदा मुझे अगर मैं पैदल जाऊंगा तो शायद मुझे 3 घंटे लगे, अगर मैं गाड़ी में बैठ के जाऊंगा तो शायद मैं 3 मिनट में पहुंचूंगा। अच्छा, ये मैं जब खुद मतलब ये ऑनलाइन अर्निंग और इन चीजों में आया या इस तरह के डायलॉग्स करना शुरू किए तो शुरू में मुझे भी लगता था कि यार ये चीज बड़ी गलत है ना, लोगों को फ्री में बताना चाहिए, लेकिन फ्री की कोई कदर नहीं है, ठीक है, कोई उसकी वैल्यू नहीं करता, ठीक है, खासकर हमारे यहाँ तो कोई वैल्यू नहीं होती जब आपने चार्ज किया हो पैसे लियो। सेम मैं भी एक कोर्स सीख रहा हूँ, कुछ नया एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो मैंने भी कोर्स परचेज किया है, ठीक है, और वो जो पैसे मैंने दिए हैं ना मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं महसूस हुई या मुझे कोई अभी तक कोई फील नहीं हो रहा कि यार मेरे को जाया चले गए पैसे। उसकी वजह ये है कि मुझे मोटिवेशन मिली है, कुछ बेसिक्स मिले हैं वहां से, ठीक है, वो नो डाउट कि यार मैं वही स्किल जाकर अगर मैं यूट्यूब पे सर्च करता तो शायद मुझे मिल जाती, लेकिन वो मैं कर सकता था ना, नहीं की ना, वहां से स्टार्ट तो मिल गया ना एटलीस्ट मुझे, ठीक है, अब आगे जाकर मैं उसको कैरी ऑन कर सकता हूँ, मैं जो भी मुझे मसला परेशानी आएगी मैं यूट्यूब से सीख सकता हूँ। That's good. काश भाई, अगर कोई अभी जीरो से स्टार्ट करना चाह रहा है, कोई यूनिवर्सिटी गोइंग है वो भी आपसे मोटिवेशन लेकर खुद कमाना चाह रहा है, पेरेंट्स को बर्डनाइज नहीं करना चाह रहा, तो हाउ ही कैन स्टार्ट, इसमें शी भी हो सकता है। तो बेसिकली इसमें ये है कि जिस तरह मेरी तो एक्सेप्शन थी ना, मैंने आपको बताया कि मैंने स्किल नहीं सीखी हुई थी क्योंकि उस टाइम इतना दौर नहीं था, इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन अभी कंपटीशन भी ज़्यादा है, अवेयरनेस भी ज़्यादा है, तो इसलिए आप सबसे पहले कुछ स्किल शॉर्टलिस्ट कर ले, ठीक है, जिस तरह ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी आप कर सकते हैं लेकिन और भी स्किल्स हैं, जैसे मार्केटिंग हो गई, SEO हो गई, ब्लॉगिंग हो गई, यूट्यूब है, इसी तरह वीडियो एडिटिंग है, वेब डेवलपमेंट है, काफ़ी ज़्यादा स्किल्स हैं इसमें, तो आप कोई एक स्किल पकड़ें उसका ऑनलाइन, अगर आप YouTube से देखें, अगर फ्री कोर्स करना चाहते हैं तो आप फ्री कोर्स करें, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप ये जो सफ़र है ना अर्निंग का, ये अगर शॉर्ट करना चाहते हैं, मतलब आप कहते हैं कि यार मुझे 6 महीनों में या साल में रिजल्ट्स मिल जाएं, आप डीमोटिवेट ना हो, मोटिवेटेड रहें, तो आप किसी बंदे से ये चीज़ सीख लें, मेंटोर से, किसी को पैसे दे, कहते हैं ना कि किसी को लालच दे के उसका टाइम खरीद लो या उसका एक्सपीरियंस खरीद लो, तो ये समझ लें अगर आप किसी का कोर्स खरीद रहे हैं ना तो आप ज़्यादा जो है ना वो उसमें जो है ना क्या कहते हैं एक्टिव हैं, कि आप उस बंदे को पैसे दे के उसकी सारी लर्निंग जो है ना वो सीख रहे हैं। right. तो आपने ऐसे ही करना है, किसी से आपने जो है ना वो कोर्स जो ना वो कर लेना है। उस कोर्स करने के बाद फिर आप अपने आप को लॉन्च कर दें लोकल मार्केट में भी और इंटरनेशनल मार्केट में भी। तो इसमें यह है कि देखें, जिस तरह मैं खुद भी जो है ना फ्री कंटेंट बनाता हूँ, अपने सोशल मीडिया पे भी बनाता हूँ, अपने यूट्यूब पे भी बनाता हूँ, मोहम्मद वकास जावेद के नाम से मेरा है, मेरा कोर्स भी अवेलेबल है अगर नाज़रीन चाहते हैं, मैं उधर भी आ रहा हूँ नेक्स्ट, उधर ही आ रहा हूँ कोई जी जी यार, लेकिन ये पेड नहीं हो रहा, मैं पहले बता दूं ये तो फ्री है ना, आगे नेक्स्ट भी बताता हूँ आपको। अच्छा, तो इसमें सबसे पहले ये है कि या तो आप चैनल पे जाके देखें, हमने
वीडियोस बनाई होती हैं, डिफरेंट जो टॉपिक्स होते हैं, डिफरेंट रिपीटेड जो क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, ठीक है, क्वेरीज होती हैं, उस पे वीडियोस बनी होती हैं। हाँ। या तो आप वो देख लें, लेकिन हमारा, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंसान की है कि थोड़ा सा ना उसको मोटिवेशन और थोड़ा सा हेल्प की जरूरत पड़ती है, उंगली पकड़ने की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप इस तरह के हैं तो उसके लिए भी ऑफर है, क्योंकि मैं जो ना स्टूडेंट्स को कंसल्टेशन भी देता हूँ और साथ ना अपना कोर्स भी है। तो कोर्स में यही होता है, जाहिर सी बात है, मिनिमल सी फीस होगी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम अपना टाइम दे रहे हैं, और मोटिवेशन तब भी रहती है कि अगर आपने किसी से पैसे लिए हो, फिर हमें भी पता होता है कि यार ये टाइम हमने इनको देना है, इस टाइम आके कमिटमेंट होती है, बिल्कुल, तो फिर आप भी फॉर ग्रांटेड ही लेते हो बंदे को, और ये होगा कि लाइफ टाइम आपको सपोर्ट मिलेगी। मतलब जो कोर्स की फीस होगी वो एक बार होगी, वो जस्ट आपको समझ लेना हमने एक सीरियसनेस चेक करनी है, देखा जाए तो 5-10 हज़ार रुपए से हमारा कुछ भी नहीं होने वाला, फीस रेट भी दस देता है ना। हाँ बिल्कुल, रेट भी बता दिया। तो ये है कि आप जो ना अगर मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो आप मुझसे भी कर सकते हैं, जैसे अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए, चाहे आपके मतलब खुद आप करना चाह रहे हैं, या आपका कोई जो ना भाई है, बहन है, या कोई बच्चा है, या आप उसको सिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि हम बच्चों को भी जो है ना ये स्किल सिखा रहे हैं। मेरे पास इस टाइम काफ़ी जो बच्चे हैं जिन्होंने पेरेंट्स ने हमारे साथ अटैच किए हुए मंथली बेसिस पे, कि हम उनको वीकली जो है ना दो क्लासेस देते हैं। दो क्लासेस में यही होता है कि हम बेसिक उनको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं डिफरेंट स्किल्स का, चाहे वो वीडियो एडिटिंग है, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग है, चाहे वो मार्केटिंग है, कैमरा हैंडलिंग है, शूटिंग है, इन चीज़ों की उनको स्टार्ट से ही जो है ना हम अवेयरनेस दे रहे हैं, और वो भी ऑनलाइन। तो वो हमारे साथ कनेक्टेड हैं, और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि साल का, डेढ़ साल का एक प्रोसेस होगा, वही बच्चे साथ साथ अर्निंग भी शुरू कर देंगे। देखिए पढ़ाई उनकी साथ चल रही है, मतलब वो अपनी क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन जस्ट वीकेंड पे एक घंटे की क्लास होती है, वो हमारे साथ अटैच होते हैं, हम उनको इंट्रोड्यूस करवाना शुरू हो गए हैं छोटी छोटी स्किल्स से। यार जिस तरह भी हम ऑफ द कैमरा भी बात कर रहे थे ना, तो आपने कहा कि यार इसके ऊपर भी हम बात करें कि कैसे स्किल होनी चाहिए या डिग्री होनी चाहिए, तो मेरा इसमें अपना ज़ाती ख्याल भी यही है कि यार आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी मैं ले लेता हूँ, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि यार अभी हमारे जितने भी यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज हैं, या एटलीस्ट यूनिवर्सिटी में तो ये चीज़ होनी चाहिए, FSC तक आपकी जो एक कन्वेंशनल स्टडीज़ हैं वो चलती रहें, जिस तरह फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, वो भी पढ़ने आप पढ़ें, लेकिन मेरे ख्याल में कोई कदा सब्जेक्ट इस तरह का भी होना चाहिए जो ऑनलाइन अर्निंग के रेलिवेंट आपको चीज़ें सिखाएं। मतलब अभी प्राइवेटली जिस तरह आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, दैट्स गुड यार, ठीक है, आप अपने तौर पर कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, आपका ये इनपुट सोसाइटी के लिए, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे या जो एजुकेशनलिस्ट हमारे बैठे हैं, जो हमारे निसाब को डिजाइन करने वाले बैठे हैं, कुरिकुलम को डिजाइन करने वाले बैठे हैं, उन लोगों को ये मेरे ख्याल में सोचना चाहिए कि ये कुछ चीजें कंपलसरी हो जानी चाहिए। आई थिंक सो, बिल्कुल। तो आपका क्या ख्याल है इस वाले से? देखें इसमें यह है कि बड़े लेवल पे ये काम हो रहा है, ठीक है, ई रोज़गार हो गया, इसी तरह जो है ना एक और जो है ना इस तरह का प्रोग्राम है, डीजी स्किल है, वहाँ पे इस तरह के ऑलरेडी जो ना हुकूमत ने ये लेवल बड़े लेवल पे शुरू किए हैं। बड़े लेवल से मुराद ये आफ्टर बैचलर्स, क्योंकि उसमें जो मेन रिक्वायरमेंट वो ये है कि आपके पास मिनिमम बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। लेकिन ये है कि जो ये चीज़ है ना, ये छोटे लेवल से, जिस तरह मैंने भी आपको बताया, फिर यार देखो उस टाइम तो कमाना है, सीखना तो नहीं है ना भाई, तब तो मजबूरी है ना, तब तो मजबूरी है, तब बंदा, अगर आपने 16 साल बंदे ने पढ़ लिया, उसके बाद भी फिर चीज सीखनी है और फिर कमाना है, तो यार फिर तो आप आधी जिंदगी तो इस चक्कर में ले गए, आधी जिंदगी रहेगी फिर कमाओगे तो हम ये कहते हैं कि आप थोड़ी सी जिंदगी है, शुरू से कमाना शुरू करो यार, और चलिए कमाना नहीं, एटलीस्ट आपको पता तो होना, नो हाउ तो होना आपको सारी, ये ना हो कि 16 साल पढ़ने के बाद आप देख रहे हो अच्छा वीडियो एडिटिंग क्या होती है, अच्छा ब्लॉगिंग क्या होती है, अच्छा एडसेंस क्या है, अच्छा फाइवर क्या है, अपवर्क क्या है, जिस तरह मतलब आपको ये चीजें, हां ये चीजें तब ना पता चले, आपको ये चीजें कब पता चले, जब आप 3 क्लास में या 4 में या 5 में, चलो 5 से शुरू कर दें, 5 के बाद आपकी चलो वीक में 1 क्लास ऐसी हो जिसमें जिस तरह के जो लोग हैं जो एक्टिव हैं अपनी फील्ड से रिलेटेड हैं, स्कूल्स को, यूनिवर्सिटीज़ को, या फिर जो हमारे तलीमी इदारे हैं उनको जो ना ऐसे लोगों को अपने साथ कनेक्ट करना चाहिए, उनको एज ए विजिटिंग फैकल्टी रख लें, उनको बोलें कि भाई आपने जस्ट वीक में 1 दिन आना है, सिर्फ अवेयरनेस आगे फैलानी है। इसमें मैं एक चीज़ कहूँगा ना, देखें जिस तरह अक्सर ये भी लोग कहते हैं कि यार जो छोटा बच्चा है ना उसको आप कमाने पर ना लगाएं ना, ठीक है, आई एग्री सम अप टू सम एक्सटेंट, बट प्रॉब्लम ये है कि अगर एक बच्चा कार्टून देख जरूर रहा है, लेकिन अगर उसको आप एनिमेशन सिखाना चाह रहे हो तो वो गलत है, उसको ये बताना गलत है कि जनाब ये कार्टून बनता कैसे है। आप इस पे एग्री हो कि जनाब वो देखता रहे, दैट्स गुड,
ठीक है, लेकिन सिखा रहे ये सिखाना नहीं चाहिए। अक्सर लोग ये समझते हैं ना कि यार छोटा बच्चा इसमें कमाने पे लगे। देखें अभी मैं चीज ये मैंने चीज खुद समझी है प्रैक्टिकली, क्योंकि माशाल्लाह मैं खुद भी जो ना एक बेटी का बाप हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने ये चीज देखी है कि छोटे लेवल से आप अपने बच्चों को जिस तरफ लेके जाते हैं ना उनकी माइंड मैपिंग वैसी होती है। देखें बच्चे आपके टाइम जया कर रहे हैं, अगर वैसे बैठे मैं आपको बताऊं कि मेरे में 80-90% बच्चे ऐसे हैं जो पूरा दिन मोबाइलों पे बैठे रहते हैं। हाँ ऐसा है, क्या वो उनके लिए बेनिफिट है मुझे बताएं? क्यों? क्योंकि उनका माइंड मैप हो रहा है। अगर वो कार्टून देख रहे हैं, सारे बच्चे कार्टून नहीं देख रहे, किसी बच्चे के हाथ क्या चीज लग रही है, किसी बच्चे के हाथ क्या चीज लग रही है, उसका जमाना है मेरे बॉस। बिल्कुल, और बच्चे बहुत ज्यादा समझ लें जो है ना अपने पेरेंट्स की बात को जो ना फिर वो निग्लेक्ट करना शुरू होते हैं। उसके बरक्स अगर आप उनको एक टेक्नोलॉजी की तरफ लगाएंगे, एक अच्छी चीज की तरफ लगाएंगे, तो आप देखेंगे बच्चों में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। Exactly. दूसरा ये है कि उनको छोटे छोटे उनके इवेंट्स हों बच्चों के, ताकि बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करें। तो आप वेस्ट में जाके देखें वहाँ पे ऐसे ही होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं बहुत छोटी एज से जो है ना बिजनेस और ये चीजें जो है ना वो सीखना शुरू कर देते हैं, और जो ही वो आपको पता है 14-15 ईयर्स के होते हैं, उसके बाद तो उन्होंने अपने आप को खुद ही सपोर्ट करना होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे की शादी भी हो जाती है, उसके भी आगे बच्चे हो जाते हैं, फिर भी वो इस चक्कर में होता है कि यार अब्बू हैं जो है ना वो हमें सपोर्ट कर देंगे बस में। लेकिन मैं ये अभी बात खोली गई तो मैं इसको थोड़ा सा किसी एंगल पे या अख्तिताम की तरफ लेकर जाना चाहूँगा। अब इसमें कुछ मैकेनिज्म ज़रूर बनाना चाहिए। इट्स गुड कि यार आप ऑनलाइन अर्निंग और ये तमाम चीज़ें सिखाना करें, लेकिन जो हमारे कन्वेंशनल चीज़ें हैं वो भी चलती रहनी चाहिए। किसी को इंजीनियर भी बनना है, किसी को डॉक्टर भी बनना है। देखें वो आपका निसाब साथ चल रहा है, देखें आप ना सारी अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, सिर्फ आप इंजीनियर की ना बात करें, इसमें स्पोर्ट्समैन है। देखें आप अगर फॉर एग्जांपल स्कूल में हैं, एक वीक है, एक वीक में आपको पता है डिफरेंट जो ना सब्जेक्ट्स के जो ना वो पीरियड्स होते हैं, तो आपने भी ये काम करना है कि आप स्पोर्ट्स से भी इंट्रोड्यूस कराएं बच्चों को, आप फिजिक्स से भी कराएं, केमिस्ट्री से भी कराएं, हर चीज से कराएं, तो आगे बाद में बच्चों की जो ना ये चीज है, चॉइस है कि वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं। आपका काम है इंट्रोडक्शन देना। हम ये नहीं कह रहे कि आपको शुरू से ही कहें कि भाई आपने ना फाइवर से पैसे लेके आने हैं या डॉलर लेके आने, नहीं, आप जस्ट उनको एक अपॉर्चुनिटी बता दें कि फाइबर क्या है या अपर क्या है या लिंक्डइन क्या है या सोशल मीडिया, हाँ सोशल मीडिया क्या है, इसका कैसा, आप देखिए आप सोशल मीडिया ना आपने भी इंट्रोड्यूस कराते ना बच्चे उसको यूज करेंगे लेकिन वो उसको गलत तरीके से यूज करेंगे। लेकिन अगर आपने उनको छोटी एज से बताया होगा कि भाई सोशल मीडिया से आप पैसे भी कमा सकते हैं, आप उसको अपने बिजनेस के लिए भी यूज कर सकते हैं, प्रमोशन के लिए यूज कर सकते हैं, अच्छा वेबसाइट है, बच्चे तो वेबसाइटों को जाकर एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन जब आप उनको बैक एंड बता दें कि भाई वेबसाइट बनाओगे तो पैसे मिलते हैं, ये भी प्रोफेशन है, हाँ, exactly. तो फिर उनको वो सारी साइकोलॉजी समझ आएगी। अच्छा वीडियो है, अब बच्चे वीडियोस देखते हैं, बहुत कम बच्चों को ये पता होगा कि भाई इन वीडियोस से लोग पैसे कमा रहे हैं। exactly. तो आप उनको उस चीज के बैकएंड से थोड़ा सा ना अर्ली एज से ही इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दें, तो वो हमारे माशरे के लिए भी बेटर है। काफी जो नेगेटिव चीजें हैं वो भी इससे कम होंगी, कवर अप हो सकती हैं जी। अच्छा वकास भाई, हमारी ये वीडियो को देखकर अगर आपसे कोई कॉन्टेक्ट करना चाहे, आपसे कोई सीखना चाहे फ्री में, ठीक है, पहले तो आप कम से कम हमारी वीडियो के तवस्तु से फ्री में गाइडलाइन दे दीजिएगा उसको, ठीक है, अगर कोई जीरो लेवल पे खड़ा है, कोई कमाना चाह रहा है, कोई सीखना चाह रहा है, या आपसे किसी भी हवाले से कोई कांटेक्ट करना चाह रहा है, तो उस हवाले से वो कैसे आपसे रब्ता कर सकता है? क्या आपका नंबर नीचे लिख दें हम, या कोई और भी तरीका कार है? देखिए आप नंबर भी लिख दें, ठीक है, और साथ सोशल मीडिया जो है ना वो भी लिंक आपको मैं बता दूंगा, मोहम्मद वकास जावेद के नाम से फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है और यूट्यूब पे भी है। इसमें ये होगा कि कोई बंदा अगर कहीं पे फंसा हुआ है या कोई बंदा कहीं से स्टार्ट करना चाह रहा है, फंसा हुआ है मुराद भी ट्रैफिक में कहीं फंसा हुआ है, मतलब कोई स्किल सीख लिया, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऑनलाइन अर्निंग की बात हो रही है भाई, बात को कहीं ना ले जाया करें। ऑनलाइन अर्निंग में कोई बंदा फंसा हुआ है जनाब, ठीक है, किसी का फाइवर का अकाउंट रोड गया है, किसी का जनाब अपर का मसला है, सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई इशू है, मीडिया मार्केटिंग के हवाले से कोई स्ट्रेटेजी के हवाले से आपने बातचीत करनी है, अपने मुस्तकबिल के हवाले से कोई चीज बात करनी है, तो आप वकास भाई से रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी बातें पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह ने के बाद।